जिस वक्त पूरे देश में कोरोना ने अपना कहर मचाया, ऐसी आपदा में वो लोग जो अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों की मदद कर रहे थे, चाहे वो एम्बुलेंस के कर्मचारी हों, चाहे वो कम्युनिटी किचन के लोग हों, लोगों की मदद करने वाले हों, ऐसे लोगों का सम्मान करने के लिए रोटरी क्लब ऑफ उन्नाव ने उनको सम्मानित करने का काम किया। हमारे साथ बात करने के लिए रोटरी क्लब उन्नाव के अध्यक्ष रोटेरियन जी एस भदौरिया जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज जो सम्मान समारोह किया है, मकसद क्या था आपका? रोटरी सदैव से ही गैर राजनीतिक संगठन है, सेवा कार्य करती आई है, और इस महामारी के समय में देखा गया कि एम्बुलेंस मेडिकल फैसिलिटी वाले एम्बुलेंस के ड्राइवर्स 108 के 102 के कुछ डॉक्टर्स टीम एनजीओस अच्छे हैं जिनको सम्मान करने का काम किया है। वैसे रोटरी तो सदैव से ही यही काम करती चली आई है, सेवा के कार्य करती ही रहती है। इस महामारी में देखा गया कि ये कुछ मेडिकल टीम एनजीओस जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही बढ़कर कार्य किए, कम्युनिटी किचन वगैरह जैसे किसी ने चलाए, 5-6 तरीके से मैंने देखा कि उन्नाव में चल रहे हैं, तो ये चल रहे थे, इनको भी सम्मान करने का काम किया है। और रोटरी क्लब आगे भी सदैव इनके साथ ऐसे ही कार्य करने में लगी रहेगी। आप इस वक्त प्रेजेंट टाइम पे आप अध्यक्ष हैं, और आगे रोटरी क्लब का क्या क्या प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इधर पैंडेमिक के चलते बहुत सारे इवेंट्स नहीं कर पाई है रोटरी, लेकिन फिर भी वर्चुअल तरीके से या अब आने वाले समय में रोटरी किस तरह से उन्नाव में करने वाली है, हेल्प लोगों की और मदद करने वाली या इवेंट्स करने वाली है? अब इस कोरोना काल में वर्चुअल मीटिंग ही हो रही है, हम लोगों की साप्ताहिक मीटिंग हुआ करती हैं, जो भी कार्य आगे करने होती है, कार्य योजना हम लोग बनाया करते हैं। इसके बाद जैसे हम लोग कार्य है ब्लड डोनेशन कैंप, इसके बारे में विचार कर रहे हैं कि आगे ब्लड डोनेशन कैंप किया जाए, इसकी भी आवश्यकता इस समय है। ब्लड डोनेशन कैंप जल्द ही हम लोग ऑर्गेनाइज करने के प्लान में है, जैसे हो जाएगा, अगली मीटिंग है हमारी, उसमें तय होगा उस तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप का काम अभी अगला काम। हमारे साथ बात करने के लिए रोटरी क्लब नाव के सेक्रेटरी सरदार अजीत पाल जी भी मौजूद हैं। अजीत जी, जिस तरह से आप लोगों ने आज सम्मान किया है, आखिर क्या मन में जज्बा था? क्योंकि उनका सम्मान किया है जिनका सम्मान कोई नहीं कर रहा था, क्योंकि एम्बुलेंस के जो ड्राइवर हैं उनकी एक व्यथा है, एक तो उनको सम्मान आपने दिया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं उनको रोटी की भी प्रॉब्लम है, उनकी सैलरी की भी प्रॉब्लम है, उनको लगातार सैलरी नहीं आ रही है, ऊपर से आदेश आया है कई एम्बुलेंस को कर्मचारियों को निकालने का आदेश आ गया, ऐसे में आपने सम्मानित करके थोड़ा सा मन हल्का किया उनका? देखिए, मैं बताना चाहूँगा, आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले जब लॉकडाउन का पीरियड था, उस दरमियान इन्हीं सारी समस्याओं को लेकर के प्रशासन के माध्यम से ये सारे हमारे जो 102 108 एम्बुलेंस वाले हमारे कर्मचारी भाई हैं, तो ये हमारे पास आए थे। उस वक्त हम लोग कम्युनिटी किचन चलाते थे, शायद भोजन की और भी बहुत सारी समस्याएं थी, तो उस वक्त आज जितने भाई हमारे साथ पीछे खड़े हैं, तो ये भोजन हम लोग ईश्वर हमसे जो था एक माध्यम थे, हम लोग वो हम लोग करते थे, इनके पास तक भोजन जाता था, तो इनसे एक आत्मीयता हो गई उस दरमियान कि रोज़ आना, वो 40-45 पैकेट हम लोग पैक करके देते थे। तो मैं ये देखता था, जब ये थोड़ा सा जनजीवन सामान्य हुआ तो मैंने देखा कि तमाम ठीक है, सबने अपने अपने तरीके से योगदान दिया, सबने अपने अपने तरीके से सेवा कार्य किए, जिसने भी जिस भी तरीके से किया वो बधाई का पात्र है। लेकिन ये हमारे कोरोना जो फाइटर्स, असली कोरोना फाइटर्स जो हमारे बीच में हमारे पीछे खड़े हैं, इन लोगों ने दिन रात एक करके 102 एम्बुलेंस के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुँचाने का कार्य किया है। अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपने घर परिवार की चिंता न करते हुए लोगों के बीच में जा करके, जैसे भी आप मरीज को लेके आते हैं, जब तक उसकी जांच नहीं हो रही है तब तक तो वो संदिग्ध है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव तो बात की बात है, लेकिन निश्चित रूप से आपने इस काम में बहुत ही बढ़ चढ़ के हिस्सा दिया है, ठीक है। और इसके लिए किसी भी संस्था ने इनको और रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो एक मन में इच्छा थी कि हमारे जो ये असल जो कोरोना वॉरियर्स है, कोरोना योद्धा हैं, इनको सम्मानित किया जाए, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। न्यूज़ वाला ने इस खबर को बहुत, इस मुद्दे को बहुत ही गंभीरता से उठाया था, क्योंकि जिस तरह से बिना किसी हथियार के ये लोग जाते थे, क्योंकि ना तो सैनिटाइज करने की व्यवस्था होती थी एम्बुलेंस की, और ना ही इनको उस वक्त पर टाइम से खाना मिलता था, बहुत सारी समस्याएं थी। हमारे साथ कुछ कर्मचारी मौजूद हैं, आज सम्मानित किया गया है, लेकिन जो मन में व्यथा है, क्या वो कुछ कम हो पाई अभी तक?
हाँ, सरकार से बात हुई है। सरकार ने हम लोगों को बताया है कि आप लोगों के जो लेटर आए हैं तो उसको निष्कासित किया जाता है, लेटर वापस लिया जाएंगे। आप लोगों को जो नोटिस दी गई है, नोटिस आई थी कि जो कोरोना में जो एम्बुलेंस लगी है उन कर्मचारियों को निकाला जा रहा है, मगर उन्होंने नोटिस वापस कह दी। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने वहाँ पे वार्तालाप की है तो उन्होंने बताया है कि आप लोगों की नोटिस वापस हो जाएगी, आप लोग जैसे क्रम में ड्यूटी कर रहे हैं आप लोग वैसे ही ड्यूटी करें। सैलरी की प्रॉब्लम चल रही थी बहुत दिनों से, उसमें क्या कुछ हुआ है अभी तक? सर, सैलरी प्रॉब्लम जो बराबर चल रही थी 3 महीने से, अब की बार भी यही प्रॉब्लम आई है, क्योंकि आधे लोगों की सैलरी जो है समय पे ना दे करके 10-15 तारीख तक की दे दी गई थी। उसके बाद जो आधे ज़्यादा कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी अब लास्ट डेट में दी जा रही है, और आगे की जो सैलरी हमारी बनती है जो 6 या 7 तक आनी चाहिए उसका भी अभी कोई पता नहीं, क्योंकि जब आज मिल गई है तो अगली वाली सैलरी हमें कब मिलेगी हमको खुद नहीं पता है। तो अभी क्या क्या कहना है कि मतलब शॉर्ट आउट सारे मामले हो गए हैं या अभी भी संघर्ष जारी है आपका? नहीं सर, हमारा संघर्ष बराबर रूप से जारी है, और क्योंकि जैसा भी आपको इन्होंने बताया कि हम लोग के लिए नोटिस जारी हो चुका था तो हम लोग को कोरोना योद्धा बताया जा रहा था। अभी जैसा कि सर की तरफ से हम लोग को सम्मान दिया गया, हम लोग को आज बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि आज हमें भी कोई पूछने वाला है, और हमें अपनी छाती पर इतना गर्व हो रहा है कि हम लोगों ने जो मेहनत करिए लोगों की पेशेंटों की सेवा करी है तो हमें अपने कार्य करने पे गर्व हो रहा है। और मैं इनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो लॉकडाउन के समय में हम लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन हमारे दोनों समय का खाना समय पर जो हम लोग को खाना मिल रहा था और खाना खा करके हम सेवा में लगे हुए थे, हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस विषय में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे कोरोना योद्धा, कोरोना फाइटर्स, जिनका सम्मान किया है रोटरी क्लब ऑफ उन्नाव ने, और रोटरी क्लब ऐसे लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती आती है, चाहे वो देश से पोलियो को मिटाने की बात हो और चाहे वो कोरोना में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करने की बात हो। कैमरा पर्सन सलमान आसिफ के साथ सलमान खान, न्यूज़ वाला अपना।